ओके तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा था, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब कहा जाए कि अरेंज पी पी और क्यू, पी पी क्यू ये थ्री अल्फाबेट से कहा जाए इसको अरेंज करो, इसको अरेंज करना होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पी पी क्यू, क्यू पी पी और पी क्यू पी, ये हमको टोटल थ्री अरेंजमेंट मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर कहा जाए कि अरेंज सी सी डी और डी, कहा जाए कि इनको अरेंज करें, तो इसको अरेंज करके देखते हैं। तो ये आ गया सी सी डी डी, डी डी सी सी, फिर सी डी डी सी, डी सी सी डी, फिर सी डी सी डी, डी सी डी सी, यानी कि टोटल सिक्स अरेंजमेंट्स हो गए। अब इस तरह से तो ठीक है, हमने बना लिया, इस तरह से तो हमने बना लिया, लेकिन इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूला भी स्पेसिफाइड होना चाहिए कि यहाँ पे टोटल थे तीन लोग और दो हो रहे थे रिपीट, तो डिवाइड बाय टू फैक्टोरियल। इस केस में फोर टोटल थे और दो ये रिपीट हो रहे हैं, दो ये रिपीट हो रहे हैं, टू फैक्टोरियल। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट ठीक इतना हो गया, 6/2 3 आ गया, और इसमें 24/4 6 आ गया। तो कहने का मतलब अगर हमको कहा जाए कि अरेंज अ वर्ल्ड इंडिया, अगर हमको इंडिया को अरेंज करना हो तो ये आएगा 5 अपॉन आई आया है दो बार 2, जो भी आंसर हो। फिर कहा जाए कि अरेंज वर्ड इलाहाबाद, अब आप सोच रहे होंगे कि इलाहाबाद तो अब प्रयागराज हो गया है, बट इट्स ओके, इलाहाबाद को अरेंज किया जाए। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 3, 3, 6 और ये टोटल है 9 लोग, ए आ रहा है 4 और एल आ रहा है 2, तो ये हो गया इसके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। फिर अरेंजमेंट अंडर सम रिस्ट्रिक्शंस, इसके बाद अरेंजमेंट अंडर सम रेस्ट्रिक्शन, अरेंजमेंट अंडर सम रिस्ट्रिक्शन। तो इसमें नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, आर एट ए टाइम, फिर है वेन अ पर्टिकुलर थिंग इज ए पार्ट नेवर इंक्लूडेड, नेवर इंक्लूडेड, एक चीज कभी नहीं आएगी। तो अब वो कभी नहीं आएगी, इसका मतलब अब आपको n माइनस वन से r को अरेंज करना है, इसका मतलब आपको n माइनस वन में से r को अरेंज करना है। अब नेक्स्ट वाला इंटरेस्टिंग है, अब कहा जाए
when a particular thing is always included, always included. अब एक चीज हमेशा ही रहेगी, हमेशा ही रहेगी, और अरेंज आपको करना है आर को, अरेंज आर को करना है, ना कि एक कम, आर को अरेंज करना है. तो एक चीज अगर हमेशा रहेगी तो इसका मतलब अब एन में से हमको आर माइनस वन, एक चीज कह रहा है कि ऑलवेज इंक्लूडेड, यानी एन माइनस वन में से आर माइनस वन को हमको लेना होगा. एन माइनस वन पी आर माइनस वन हमने लिख दिया, लेकिन ये अरेंजमेंट तो आर माइनस वन लोगों का हुआ है. अब बात को हम दूसरी तरह के समझते हैं कि मान लिया कहा जाए कि सेवन लोग हैं, सेवन डिफरेंट थिंग्स आर गिवन, और कहा जाए कि थ्री को हमको, थ्री को हमें अरेंज करना है, थ्री बुक्स है, मान लिया कि सेवन डिफरेंट बुक्स आर गिवन, और कहा जाए कि थ्री डिफरेंट बुक्स को हमें अरेंज करना है, थ्री डिफरेंट बुक्स को हमें अरेंज करना है, जबकि एक वन पर्टिकुलर बुक, वन पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड, इज ऑलवेज इंक्लूडेड. ये एक क्वेश्चन, बढ़िया से एक क्वेश्चन तैयार हो गया कि सेवन डिफरेंट बुक्स वी हैव टू अरेंज, मतलब आउट ऑफ सेवन हमको तीन को अरेंज करना है, सेवन डिफरेंट बुक्स में से आउट ऑफ सेवन डिफरेंट बुक्स, आउट ऑफ सेवन डिफरेंट बुक्स थ्री डिफरेंट बुक्स हैव टू बी अरेंज्ड, हैव टू बी अरेंज्ड व्हेन वन पर्टिकुलर बुक इज ऑलवेज इंक्लूडेड. एक बुक हमेशा है, इसका मतलब ये हो गया कि सिक्स में से आप टू को अरेंज करेंगे, सिक्स में से टू को अरेंज करेंगे, सिक्स में से टू को अरेंज करेंगे, तो वो जो एक तीसरी बुक है, वो एक तीसरी बुक है, वो यहाँ पे भी आ सकती है, इस केस में आ सकती है, अभी भी 6p2 होगा, आप इसको अरेंज कर रहे हैं 6p2 में से. फिर ये एक केस हो गया, फिर दूसरा केस 6p2 ही किया हमने, और उस वाली बुक को हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, वो यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है. ठीक, इसी तरह से अब हमने 6p2 फिर से किया, 6p2 कर लेने के बाद वो जो तीसरी बुक है उसका प्लेस यहाँ पे भी हो सकता है. तो वो जो तीसरी बुक है हमको अरेंज हो, क्योंकि तीनों बुक को करना है ना, ना कि दो को बुक को अरेंज करना है, तो वो बुक यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है. तो उस बुक के लिए टोटल थ्री वेज हुए, यानी कि इसका आंसर होगा थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स 6p2, यानी कि इसका आंसर r टाइम्स n माइनस वन पी आर माइनस वन, r टाइम्स n माइनस वन पी आर माइनस वन. अब नेक्स्ट आगे अब कहा जाए क्वेश्चन हो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टेन डिफरेंट बुक्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम व्हेन ऑल अ टाइम व्हेन फोर पर्टिकुलर बुक्स, चार बुक्स हैं, ऑलवेज कम टुगेदर, ऑलवेज कम टुगेदर. तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में क्या करेंगे, जो फोर पर्टिकुलर बुक्स हैं बी वन बी टू बी थ्री बी फोर, इसका एक बॉक्स बना लें, इसको हम एक यूनिट समझ लेंगे. अब बाकी बचा बी फाइव बी सिक्स बी सेवन बी एट बी नाइन, और टोटल हैं टेन बुक्स, टोटल टेन बुक्स हैं. तो अब इसको हम एक यूनिट समझ ले रहे हैं, मतलब अब इसको हम एक यूनिट समझेंगे तो ये जहां भी जाएंगे एक साथ जाएंगे. तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन, सेवन लोग हैं, सेवन को हमें अरेंज करना है, तो सेवन पी सेवन, सेवन पी सेवन हो गया. अब नाउ दीज फोर बुक्स, ये बुक्स
दे विल अरेंज देयर सेल्फ, वो आपस में तो अरेंज होंगे ना, वो आपस में तो अरेंज होंगे, तो इनटू 4p4 या फिर इसको 7 factorial 4 factorial ऐसा लिख लिया, 7 factorial 4 factorial, ये तो हो गया व्हेन फोर पर्टिकुलर बुक्स, व्हेन के बाद ए पार्ट कर देते हैं इसका, बी पार्ट इसका, इसका बी पार्ट when four particular books never come together, अब ये हो जब four particular books अब वो एक साथ में कभी ना आए तो कुछ नहीं, टोटल में से टोटल अरेंजमेंट में से ये चीज सबट्रैक्ट कर दें, तो इसका आंसर, ये तो ए का आंसर था, अब बी का आंसर टोटल कितना होगा, 10 factorial में से 7 factorial 4 factorial ये आंसर हो जाएगा। यहां पर एक बात को ध्यान रखेंगे, इसमें कह रहा है कि फोर पर्टिकुलर बुक्स नेवर कम टुगेदर, लेकिन तीन आ सकती हैं एक साथ में, दो आ सकती हैं एक साथ में, चार एक साथ नहीं आएंगी, मतलब जब हम इसको सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो तीन बुक्स एक साथ आ सकती होंगी, ओके तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब अगर इसमें कहा जाता है कि चार में से चारों एक नहीं आए, एक साथ ना आए, उसके लिए दूसरा केस है, दूसरा केस है, वो केस हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये भी इसी हेडिंग में ही आ जाएगा। अब कहा जाए कि क्वेश्चन हो, 6 boys and 5 girls, 6 boys and 5 girls have to be arranged in a row, such that no two girls, sit together। अच्छी बात है, दो गर्ल्स को एक साथ नहीं बैठाएंगे, बातें कम होंगी, नो टू गर्ल्स सिट टूगेदर, ओके। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, B1, B2, B3, B4, B5 और B6, ये 6 boys हो गए, 6 boys हो गए। अब उन गर्ल्स को अगर हम इन प्लेसेस पर फिल करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन 7 places पर अगर उन 5 girls को अरेंज करेंगे तो कभी भी कोई भी दो गर्ल एक साथ नहीं रहेंगी, तो ये हो जाएगा 7 places है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और गर्ल्स कितनी है, 5, तो 7p5, लेकिन हमको तो अरेंज करना है 6 boys and 5 girls, सभी को अरेंज करना है, तो इनटू 6 factorial ये हो गया हमारा, जबकि कोई भी दो गर्ल एक साथ नहीं रहेंगी, तो ये केस आ गया अरेंजमेंट अंडर सम रिस्ट्रिक्शन में। अब आगे करते हैं हम लोग, अब आगे है सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन, सर्कुलर परमुटेशन में अब यहां पे चीजों को, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्या मतलब है इसका, हमने ये लिया ए, ये बी, सी, डी, ई और एफ, ये 6 लोग हैं, 6 लोग हैं, इनको हमें एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है, ओके। अब हम इनको अरेंज कर रहे हैं, 6 लोग हैं, 6 लोगों को अरेंज करना है, 6 लोग ऐसे जिन जो कि सब देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट में कौन बैठा है, राइट में कौन बैठा है, मतलब लाइव पर्सन,
तो अब हमने ये ले लिया ए, ये बी, ये सी, फिर डी, फिर ई एंड देन एफ। एक बार और, यहाँ पे ए ले लिया, ये बी, सी, फिर डी, फिर ई और ये हो गया एफ। अब इसके बाद हमने ये लिया ए और इसके बाद इधर सी, ये बी, डी, ई और एफ, फिर ए को फिर हमने यहीं पे रहने दिया, इधर एफ लिख लिया, ये हो गया बी, ये सी, इधर डी और ये ई, फिर ए को यहीं पे रहने दिया, ये लिखा डी, ये बी, ये सी, ये ई एंड देन एफ, ये आ गया। छह लोग बैठे हुए हैं, छह लोग बैठे हुए हैं। अब इसमें जो सर्कुलर पॉलिटेशन में जो थ्योरी है वो ये कि अरेंजमेंट तभी माना जाएगा जब इन छह बैठे हुए लोगों में से कोई एक अपनी रिलेटिव पोजीशन में चेंज नज़र पाए। मतलब चेंज नज़र पाए का मतलब, अब पता चला कि ए के लेफ्ट में पहले मिस्टर एफ बैठे थे और राइट में मिस्टर बी बैठे थे, यहाँ पे भी ए के लेफ्ट में मिस्टर एफ ही बैठे हुए हैं, राइट में मिस्टर बी बैठे हैं, यहाँ पे भी लेफ्ट में मिस्टर एफ बैठे हैं, राइट में मिस्टर बी बैठा हुआ है, कोई भी और डी के या बी के लेफ्ट में ए है, राइट में सी, बी के लेफ्ट में ए है, राइट में सी, बी के लेफ्ट में ए है, राइट में सी। तो यहाँ पर इनमें से जब इन अरेंजमेंट को हम देख रहे हैं तो कोई भी एक ऐसा नहीं हो रहा है जिसके कि वो अपने लेफ्ट और राइट की पोजीशन में कुछ चेंज नज़र आ पा रहा हो, कि जो भी लेफ्ट में बैठा था पहले वही अभी भी बैठा हुआ है। ध्यान से इसको देखें, इन तीनों को हमने क्या किया, सभी की एक पोजीशन बस आगे बढ़ा दिए, सभी की एक पोजीशन हमने आगे बढ़ा दिए, लेकिन किसी को भी कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है, कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। और इस केस में हमने क्या किया, इस केस में क्या किया, ए को कर दिया फिक्स, ए को कर दिया फिक्स। अब हमने देखो बी और सी को इंटरचेंज किया है, बाकी सब ऐसे ही रहने दिया। तो अब यहाँ पर सी के लेफ्ट में ए है, राइट में बी है, इसमें देखें ए को फिक्स है, सी के लेफ्ट में बी है, राइट में डी है, चेंज नज़र आ रहा है इसको, सी के लेफ्ट में बी है, राइट में ई है। तो एक को, किसी एक को आपको फिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद बाकी के पाँच या छः लोग हैं तो बाकी के पाँच लोगों को अरेंज करें, बाकी के पाँच लोगों को अरेंज करें। कहने का मतलब ये है कि अगर हमको टोटल छः लोगों को अरेंज करना है तो एक को फिक्स कर दिया, बाकी को पाँच अरेंज करें, यानी कि अगर एन लोगों को अरेंज करना है तो फिक्स्ड वन, किसी एक को फिक्स करें एंड अरेंज रेस्ट ऑफ एन माइनस वन पर्सन। तो अरेंजमेंट ऑफ एन पर्सन्स अराउंड टेबल इज इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, ये एन माइनस वन फैक्टोरियल होगा। अब इसके बाद आती है बात इन केस ऑफ, यानी कि अगर ये केस होता तो आंसर हो जाता 5 फैक्टोरियल, छह लोग थे तो अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 6 पर्संस अराउंड टेबल, आंसर हो जाएगा 6 माइनस वन, यानी कि 5 फैक्टोरियल, 6 माइनस वन फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इन केस ऑफ नेकलेस, नेकलेस ऐसी चीज है, नेकलेस एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप हाथ में पकड़ सकते हैं, जिसको कि हाथ में पकड़ सकते हैं। अब इस केस के लिए क्या करना होगा थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें भी अपनी अलग थ्योरी है, जैसे कि इस वाले में थ्योरी थी कि इनमें से जो अंदर बैठा हुआ जो पर्सन है, कोई एक भी अपनी, अगर इनमें से अगर कोई एक भी अपनी रिलेटिव पोजिशन में अंतर नज़र पा लेता तो वो हम लोग सर्कुलर परमुटेशन के अंदर काउंट कर लेते। अब हमने इसमें लिखा ये ए है, सी, बी, डी, ई, एफ, फिर ए, एफ, बी, सी, डी, ई लिख लिया, फिर ये ए है, ये एफ, ए, एफ, ई, फिर सी, फिर बी और फिर डी, ये हमने ऐसे लिख लिया। ये मान लिया कि छह मोती हैं, 6 पल्स आर देयर,
नाउ वी हैव टू अरेंज दीज सिक्स पर्ल्स इन दिस नेकलेस। तो अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से केवल इस पे और इस पर गौर करें, इस पर और इस पर गौर करेंगे तो देखिए अगर हम इसको उठा के ऐसे कर लें तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पर ऐसे लिखा ए एफ ई डी तो हमने ए एफ ई डी ऐसे है, यहाँ पर ए सी बी डी है तो ए सी बी डी ऐसे है। नेकलेस एक ऐसी चीज़ है जिसको कि हम हाथ में देख सकते हैं, तो हम भी देख रहे हैं आप भी देख रहे हैं। तो अगर हम दोनों को अगर हम इसको उठाकर ऐसे देख रहे हैं तो आपको ये दिख रहा है, तो हम दोनों सेम ही चीज़ देख रहे हैं, जबकि अरेंजमेंट दो हुए हैं। इसको हम उठाकर ऐसे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, अरेंजमेंट दो हुए हैं लेकिन काउंट होगा वो एक ही। इसको भी अगर हम उठाकर देखें तो जैसे ए एफ ई सी है, इधर ए एफ ई सी ऐसे है, ए डी बी सी है तो इधर ए डी बी सी है। इसको उठाकर ऐसे देखेंगे आपको ये दिखेगा। तो इस केस में क्या है कि अगर टोटल मिलाकर हमने 100 अरेंजमेंट किए तो वो काउंट होंगे 50। क्यों? क्योंकि हम दोनों लोग मिलकर देख रहे हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ एन पर्ल्स इन अ नेकलेस इज इक्वल टू, बेसिक रूल तो वही रहेगा कि एक को फिक्स करना है, अपॉन 2 हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन की बात करें अगर तो ए बी सी कहा जाए, हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी सी टेकन टू एट अ टाइम, या सेलेक्ट एनी टू कहा जाए, सेलेक्ट एनी टू, कोई दो को सेलेक्ट करना है तो क्या होगा, ए बी बी सी सी ए, ए बी बी सी और सी ए, ये टोटल 3 सिलेक्शन हो गए। अब यहां पर बी ए नहीं काउंट होगा, ए बी को सेलेक्ट कर ले तो वो एक ही माना जाएगा, यहाँ पे बी ए नहीं होगा। इसी तरह से कहा जाए ये एक केस हो गया। अब ए बी सी डी ए हो, कहा जाए कि सेलेक्ट एनी टू, ये कहा जाए तो क्या होगा, ए बी बी सी सी डी डी ए सी और बी डी, ये टोटल 6 हो जाएंगे। अरेंजमेंट के केस में ये टोटल 12 थे, अब यहाँ पे ए बी को ए बी ही रहेगा, ए बी लिखिए चाहे बी ए लिखिए, ए और बी का सिलेक्शन वो एक ही हुआ। कहा जाए कि इन चारों को सेलेक्ट करें तो वो एक ही काउंट होगा, ए बी सी डी, दैट्स इट। अब उसको आप बी ए सी डी लिखिए या डी ए बी सी लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है, सेलेक्ट कर लिया आपने, इन चारों को सेलेक्ट कर लिया तो वो एक ही माना जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला, आउट ऑफ 3 हमने 2 का कॉम्बिनेशन किया, इसके लिए आउट ऑफ 4 हमने 2 का कॉम्बिनेशन किया। तो फॉर्मूला क्या है, आउट ऑफ एन अगर हम आर का सिलेक्शन करते हैं तो फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो गया। तो 3C2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल, तो ये आ गया 3। इसी तरह से ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल, मीन्स ये आ गया 6, ये आ गया टोटल 6। अब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हम लोग आगे बात करते हैं डिवाइजर्स की। डिवाइजर्स की बात करते हैं, डिवाइजर्स की बात करते हैं हम लोग। इसमें आपको एक बहुत ही बेसिक से आपको हम बिल्कुल क्लियर करेंगे। हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हम एक छोटा सा नंबर ले लेंगे और उसके जितने डिवाइजर हो सकते हैं वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे फॉर्मूलाइज उसको करेंगे, बाद में करेंगे। कहा जाए
24 के बारे में पूछा जाए, 24 के बारे में अगर हम कहें तो ये 2 क्यूब और 3 इसका कॉम्बिनेशन है, 8 × 3 = 24। इसके डिवाइजर सामने लिखे, इसके जो डिवाइजर्स हो सकते हैं वो सब हमने लिखे, तो आया 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। तो 4 और 4 = 8 आ रहे हैं, टोटल 8 डिवाइजर्स आ रहे हैं। ये 2 की पावर 0, 2 to the power 1, 3 to the power 1, 2 square, 2 to the power 1, 3 to the power 1, 2 cube, 2 square into 3, और ये 2 cube into 3, ये सारे के सारे हमने लिख लिए। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स अब हम यहां पर हम देख रहे हैं कि इसके जो डिवाइजर्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, टोटल मिलाकर 8 डिवाइजर्स आ रहे हैं। ठीक, हमको ये पता है कि किसी चीज को करने के तरीके पी हो और क्यू हो तो टोटल वेज उसके लिए पी इंटू क्यू हो जाते हैं। अब यहां पर हम या तो 2 को ले रहे हैं या 3 को ले रहे हैं या दोनों को ले रहे हैं। तो अब इस केस में देखिए, जिस वक्त 1 डिवाइजर था उस वक्त ना तो हमने 2 को सेलेक्ट किया ना ही 3 को सेलेक्ट किया। ठीक, जब ये 2 है तो हमने 2 को सेलेक्ट किया एक बार, 3 को सेलेक्ट नहीं किया। जब ये 3 है तो 3 को सेलेक्ट किया एक बार, 4 है तो यानी 2 को 2 बार सेलेक्ट किया, 6 है तो 2 को एक बार और 3 को एक बार, ऐसे ही 8 है तो 2 को 3 बार सेलेक्ट किया, 3 को नहीं किया, ऐसे ही आगे। तो 2 को सेलेक्ट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज, जबकि हमको डिवाइजर भी मिल रहा हो, तो या तो सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, या एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, या 2 बार सेलेक्ट कर रहे हैं, या 3 ही बार सेलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 2 कितने हैं? 3+1, हम 3+1 लिखेंगे। एक बार नहीं हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, या 2 बार कर रहे हैं, या 3 बार कर रहे हैं। फिर इसके बाद 3 को या तो आप सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे भी सेलेक्ट नहीं किया, या फिर हम एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, 3 एक बार सेलेक्ट किया, कहीं पे भी देखे तो एक बार सेलेक्ट किया। तो 3 के लिए हो गया 1+1, तो ये आ गया 4 × 2 = 8 हो गया। टोटल 8 डिवाइजर्स ऐसे निकाल लिए। अब हम एक बार 100 के लिए भी ऐसे ही निकाल लेते हैं। 100 के लिए, 100 का मतलब हो गया 2 square 5 square, तो इसके जो डिवाइजर्स आएंगे वो भी लिख लेते हैं। डिवाइजर्स जो आएंगे वो क्या क्या होंगे, 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100। तो 4, 4, 8 और 9। अब यहां पर इसको फॉर्मुलाइज कैसे करेंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 2 square है, तो या तो आप 2 को एक बार सेलेक्ट कर रहे हो, या 2 बार सेलेक्ट कर रहे हो, या नहीं सेलेक्ट कर रहे हो। तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ वेज 3 है, या तो आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हो, इवन देन यू आर गेटिंग डिवाइजर। देख लीजिए, जैसे यहां पे आप 2 को सेलेक्ट नहीं कर रहे, इवन देन यू आर गेटिंग डिवाइजर। तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज 2+1 हो गया। ऐसे ही 5 को हम सेलेक्ट कर रहे हैं टोटल 3 वेज से, 2+1 ये भी हो गए, मींस 9 डिवाइजर्स, ये 9 डिवाइजर्स हो गए। अब इसमें थोड़ा सा और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ये तो हो गए नंबर ऑफ डिवाइजर्स। अब इसमें पूछा जाए कि प्रॉपर डिवाइजर्स प्रॉपर डिवाइजर्स का मतलब कि नंबर 1 और ये नंबर इसको हटा दें, प्रॉपर डिवाइजर्स यानी कि जो अंदर वाले डिवाइजर्स हों, तो वो हो जाएंगे 9 - 2 = 7 हो जाएंगे। इस केस में भी प्रॉपर डिवाइजर पूछेगा तो 1 और ये हटा देंगे तो टोटल 6 आ जाएंगे। तो ये तो एक अलग बात हो गई। अभी हम लोग कुछ और बात करते हैं। अब हम एक बड़ा नंबर लेते हैं,
एक बड़ा नंबर हम लेते हैं, n इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 की पावर 4 5 क्यूब 7 स्क्वायर। अब कहा जाए इसमें बारी बारी से सारी बातें। नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो आंसर होगा 2 को या तो आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, या एक बार करेंगे, या दो बार करेंगे, या तीन बार करेंगे। तो 2 को सेलेक्ट करने के लिए टोटल 3+1, 3 को सेलेक्ट करने के लिए 4+1, फिर 5 को सेलेक्ट करने के लिए फिर 3+1, और ये 2+1 ये आ गया। तो ये टोटल कितना आ जा रहा है, 4 और 5 20, और 4 × 3 12, 240 डिवाइजर्स आ गए। अब कहा जाए कि फाइंड सम ऑफ डिवाइजर्स। पहले हम 24 के केस में सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, सम ऑफ डिवाइजर्स तो ये आएगा 1+2+3+4+6+8+12+24, ये आएगा टोटल। इसका सम जो भी आएगा वो हम लिख लेंगे। इसको निकालने का दूसरा तरीका इज इक्वल टू, ये ऑल्टरनेटिव, इज इक्वल टू 2 to the power 0 + 2 to the power 1, इसके फैक्टर थे ना 2 cube × 3 था, 2 to the power 0 2 to the power 1 2 to the power 2 2 cube, 3 to the power 0 3 power 1। तो ये क्या लिखा है, 1+2+4+8, और ये है 1+3। इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए सब कुछ वैसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 से किया तो 1+3, 2 से किया तो 2+6, 4 से किया तो 4+12, फिर 8 से करेंगे तो 8+24। ये जो लिखा है और ये जो लिखा है दोनों सेम है, तो हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे, इसमें इस रूल को फॉलो करेंगे। चलते हैं, अब इसमें सम ऑफ डिवाइजर्स पूछे। सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, 2 to the power 0 + 2 to the power 1 + 2 square + 2 cube × 3 to the power 0 3 to the power 1 3 to the power 2 + 3 to the power 3 फिर 3 to the power 4, फिर 5 to the power 0 5 to the power 1 5 to the power 2 and then 5 cube, और लास्ट में 7 की पावर 0 7 to the power 1 और 7 square, जो भी आएगा वो सम आ जाएगा। प्रॉपर डिवाइजर पूछेगा तो -2 कर देंगे, बस बात खत्म है। फिर आगे इसके बाद अब यहां से चीजें शुरू होती है, इंटरेस्टिंग चीज अब शुरू होती है। इसमें पूछा जाए कि कितने इवन डिवाइजर्स होंगे, या कितने डिवाइजर्स होंगे जो कि 5 का मल्टीपल होंगे, या 7 का मल्टीपल होंगे, या 15 का मल्टीपल होंगे, या परफेक्ट स्क्वायर होंगे, या परफेक्ट क्यूब होंगे। नंबर ऑफ डिवाइजर्स ए पार्ट जो कि इवन हो, इवन के लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसमें से 2 को बाहर कर लें, 2 को बाहर कर लें, बाकी सबको हम लिख लें। यहाँ 2 square 3 की पावर 4 5 cube 7 square, ऐसे लिख लिया, 2 को हमने बाहर कर लिया, बाकी को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इनके डिवाइजर निकालेंगे। अब इनका डिवाइजर जो भी आएगा, इनका डिवाइजर 1 भी आएगा, इनका डिवाइजर 3 भी आएगा, इनका डिवाइजर 5 भी आएगा, इनके हम सारे डिवाइजर निकालेंगे और वो सारे के सारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो जो भी डिवाइजर आएगा वो सब इवन हो जाएगा। तो अब हम डिवाइजर्स ऑफ 2 square 3 to the power 4 5 cube 7 square, तो यहां पे क्या हो गया,
कितने हो जाएंगे, 3 × 5 × 4 × 3, तो ये कितना हो गया, 20 × 9 मीन्स 180, ये आ गया। ये हमने 2 को बाहर रख दिया, बात समझ में नहीं आई, फिर समझते हैं। देखिए 24 का केस, कहा जाए कि कितने इवन डिवाइजर होंगे, कितने इवन डिवाइजर होंगे, तो इसमें से 2 को हटा दें, 2 को हटा दिया, बाकी बचा 12। अब हम 12 के डिवाइजर निकाल लें, 12 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर × 3। इसके डिवाइजर कौन कौन से, डिवाइजर क्या क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 × 2 मतलब वही 2+1 और 1+1, यानी कि 6 डिवाइजर्स होंगे। अब जितने डिवाइजर लिखे थे उसमें से चेक भी कर लें कि कितने इवन डिवाइजर्स थे। पहले क्या क्या डिवाइजर्स थे हमें, इसके जो डिवाइजर होंगे 12 के जो डिवाइजर्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और 12 आएगा। इन सभी को हमने 2 हटा दिया था ना, 2 हमने हटा दिया था, इनका डिवाइजर 3 भी है। इन सभी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइजर्स क्या आएंगे, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 12 आया और 24 आया, टोटल 6 इवन डिवाइजर्स आ गए। वही हमने यहाँ पे भी किया, 2 को बाहर रख दिया और बाकी हमने निकाल लिया। अब बात क्लियर हो गई कि हमने 2 को बाहर निकाल लिया, 12 के डिवाइजर सारे निकाल लिए। 12 के डिवाइजर्स कौन कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 2 जो बाहर बैठा है वो जब इनसे मल्टीप्लाई होगा तो सारे के सारे डिवाइजर्स इवन कर देगा, वो सारे के सारे डिवाइजर्स इवन कर देगा। तो ये बहुत सही मेथड है, बहुत सही ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अभी हम और भी करते हैं कि कितने डिवाइजर होंगे जो कि 3 का मल्टीपल हो, 7 का मल्टीपल हो, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट क्यूब हो, वगैरह वगैरह अभी सब करते हैं। अब ये एक केस खत्म। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स, मल्टीपल ऑफ 7 कहा जाए कि ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जो 7 का मल्टीपल हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 को बिल्कुल बाहर कर देंगे, हटा देंगे, क्वेश्चन से हटा देंगे। बाकी क्या आया, 2³, 3⁴, 5³ और 7, ये लिख लिया। अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स, क्या हो जाएंगे, ये हो गया 3+1, 4+1, फिर 3+1 और 1+1। अब ये कितना हो गया, 4 × 5 = 20 और 4 × 2 = 8 यानी कि 160। अब हमने क्या किया, इसके अंदर वाले के डिवाइजर निकाल लिए, इसके अंदर वाले के डिवाइजर निकाल लिए। अब इसके अंदर के डिवाइजर में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, सब कुछ आएगा। वो सारे के सारे डिवाइजर्स इस बाहर बैठे 7 से मल्टीप्लाई होंगे तो सब के सब 7 का मल्टीपल हो जाएंगे। अब मान लिए कहा जाए मल्टीपल ऑफ 15, अब 15 का मल्टीपल हो, अब केस आप समझ गए, अब केस आप समझ गए हैं कि 15 का मल्टीपल हो, सो यू विल कीप 15 आउट, 15 को हम लोगों को बाहर कर देना होगा, 15 को बाहर कर देते हैं। तो 3 × 5 ये बाहर कर दिया तो आया 2³, 3³, 5² 7² इसके डिवाइजर्स निकाल लें, कितने आ जाएंगे, 3+1 = 4, फिर 4, फिर 3 × 3 जो भी आ जाए उससे मतलब नहीं है, 144 या जो भी आ जाए उससे मतलब नहीं है। तो ये जो भी डिवाइजर आएंगे, इसके जो डिवाइजर आएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, सब आएगा, वो सारे के सारे 15 से मल्टीप्लाई होते जाएंगे और 15 का मल्टीपल होते जाएंगे। फिर आगे कितने ऐसे डिवाइजर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ऐसे कितने डिवाइजर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ओके, उसको भी देख लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, इसमें परफेक्ट स्क्वायर होंगे यानी कि अब हमारा जो प्राइम होगा वो 1 होगा और अगला प्राइम अब हमारा 4 होगा, अगला प्राइम 9 होगा, मतलब कि ऐसे कितने डिवाइजर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हों, यानी कि अब हमारी जो स्टार्टिंग होगी जो पहले 1, 2, 3 कुछ भी हो जाती थी, अब वो सारे के सारे जो प्राइम होंगे, अब हम जो प्राइम काउंट करेंगे वो पहला 1 होगा, अगला फिर हम जो करेंगे
वो 4 लेंगे, फिर 9 लेंगे, तो n इज इक्वल टू 2 स्क्वायर की पावर 1, 3 स्क्वायर की पावर 2, 5 स्क्वायर की पावर 1 और 7 स्क्वायर की पावर 1। जो बाकी बचा, कीप दैट आउट। कितना बचा? एक 2 बचा है और एक 5 बचा, इसको बाहर रख लिया, इसको हमने बाहर रख लिया। अब यहाँ पर ये हमारा एक प्राइम होगा, ये प्राइम होगा, अब ये प्राइम होगा, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे? 1+1 2, 2+1 3, 1+1 2 और ये 2, यानी कि टोटल 24 होंगे। मतलब कहने का, जो इसके अब डिवाइजर आएंगे वो क्या आएंगे? या तो 4 आएगा, या 9 आएगा, या 9 × 25 आएगा, या 25 × 49 आएगा। वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर्स हो जाएंगे, वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि हम इससे तो मतलब ही नहीं रख रहे हैं। अब हम तो वही डिवाइजर निकालें, इनके डिवाइजर निकालें, क्योंकि अब हम 2 स्क्वायर को एक प्राइम समझ रहे हैं, इस 2 स्क्वायर को प्राइम समझ रहे हैं, इसको एक प्राइम समझ रहे हैं, इसको एक प्राइम समझ रहे हैं, 49 को एक प्राइम नंबर समझ रहे हैं। तो यानी अब जो वही वाली थ्योरी लगाएंगे, तो अब जो डिवाइजर आएगा 49 आएगा, 25 आएगा, 9 आएगा, या इनके मल्टीपल आएंगे। अब कोई 2 परफेक्ट स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, परफेक्ट क्यूब। वो परफेक्ट क्यूब हो, इस केस में क्या करेंगे? अब जो हमारे प्राइम होंगे 8 होगा, फिर 27 होगा, 125 होगा, ऐसे होगा। हम n को लिखा हमने 2 क्यूब की पावर 1, 3 क्यूब टू द पावर 1 और एक 3 को बाहर, 5 क्यूब टू द पावर 1। ये 7 स्क्वायर है तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, इसको तो पूरा को पूरा बाहर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्यूब है ही नहीं, परफेक्ट क्यूब चाहिए, तो इसको 7 स्क्वायर बाहर। अब हमारा जो प्राइम बन रहा है वो 125 बन रहा है, वो 27 बन रहा है, वो 8 बन रहा है। तो अब नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो जाएंगे 2 × 2 × 2 मीन्स 8 हो जाएंगे, नंबर ऑफ डिवाइजर्स 8 हो जाएंगे। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, अब है नेक्स्ट, नोट करके लिख लेते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इज इक्वल टू हाफ टाइम्स। फॉर्मूला है अल्फा 1+1, अल्फा 2+1, अल्फा 3+1, अल्फा n+1। मतलब क्या है समझ में नहीं आया। ये नंबर ऑफ फेज इन विच n, और n कोई नंबर ले लें, a टू द पावर अल्फा 1, b टू द पावर अल्फा 2, c टू द पावर अल्फा 3, लाइक दिस। ए बी सी क्या है? दे आर प्राइम नंबर्स। ए बी सी आर सम प्राइम्स, ये कोई प्राइम है। बात का मतलब समझ में नहीं आया, समझते हैं इसको, बात का मतलब समझ नहीं आया इसको समझते हैं। और इसमें ये भी है कि when n is not a perfect square, जब n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब के लिए ये बात है, जब n एक परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब के लिए बात है। चेक करते हैं भाई बात क्या चल रही है। n आया है
24, इसको हमने लिखा 2³ × 3, 2³ × 3। तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर करें कि नंबर ऑफ वेज, तो ये आएगा 3+1 और 1+1, ये कितना हो गया 4 × 2, 6/2 मीन्स 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसका मतलब समझते हैं, आंसर तो हमने देख लिया, आंसर क्या आएगा वो तो हमने लिख लिया, लेकिन क्या कैसे आएगा अब ये समझें। इसके जो फैक्टर थे, जो डिवाइजर्स थे, हम लिख ले रहे हैं 1, 2, 3 डिवाइड बाई 2, 4 आएगा, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 ये आ गया। इस पूरे को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं, इस पूरे को रिवर्स ऑर्डर में 24, 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1। पूरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में एक तो हो गया 1 × 24, दूसरा हो गया 2 × 12, 3 × 8 और 4 × 6, तो ये हो गया टोटल 4। अब 4 × 6 हो या 6 × 4 हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स तो वही हुए, वो तो एक ही काउंट किया जाएगा। 3 × 8 हो या 8 × 3 हो, वो तो वही काउंट किया जाएगा। तो ये है इसका मीनिंग। तो नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो अब ये फॉर्मूला बिल्कुल हमको क्लियर हो गया। अब इसी में ही ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग इसका बी पार्ट, बी पार्ट है नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। तो अब यहां पर प्लस वन, व्हेन एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या मतलब हुआ, अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो वहां पे प्लस वन कर रहे हैं। देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 100, हमने n को लिया 100, परफेक्ट स्क्वायर है, 5² 2² इसके हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो हाफ टाइम्स 2+1 यानी 3, 2+1 फिर 3 और प्लस 1, ये हुआ 9+1, 10/2 मीन्स 5। अब नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स लिखते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 एंड देन 100। तो ये अब इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, इसी को रिवर्स करके लिखते हैं, टोटल 100, 50, 25, 20, 10। अच्छा, तो इसमें ये बात है क्योंकि इसमें 10 × 10 ये तो अकेला मिलेगा, बाकी सब तो ये रिपीट हो जाएंगे। 5 × 20 है तो उधर 20 × 5 मिल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये प्लस वन डिफरेंस ला रहा है इस फॉर्मूले में। ओके, तो 5 ये 4 ये 2 ये 1, तो एक हो गया ये 1 × 100, 2 × 50, 4 × 25 ये, और ये अकेला है, बाकी सबका तो पेयर है, तो इसीलिए इसका आंसर 5 है। तो ये बात क्लियर हो गई, ये वाली हेडिंग भी क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ वेज इन विच एन कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, जबकि एन एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला चलेगा। बिल्कुल क्लियर हो गया कि n इज इक्वल टू, हमने 5² 2² किया और इनके हिसाब से 2+1 2+1 यानी कि 3 3, और बाकी तो है ही नहीं, तो प्लस 1 और कर दिया, 9+1 10/2 5। अब फिर आगे, अब हम लोग कॉम्बिनेशन के और यूजेस देखते हैं क्या हैं। कॉम्बिनेशन के आगे यूजेस और क्या होंगे, कोई भी दो पॉइंट को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ओके।
अगर तीन पॉइंट में से कोई दो दो पॉइंट सेलेक्ट कर लें, 3C2, अगर हम कहा जाए तीन पॉइंट हैं उसमें से दो दो पॉइंट को हम सेलेक्ट कर लें तो 3C2 आ जाएगा, और 3C2 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो बात भी सही है, तीन पॉइंट होंगे तो तीन ही तो स्ट्रेट लाइन बनेंगी। ओके, अब फोर पॉइंट हो और कहा जाए कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स कैन बी फॉर्म, अब आप कहेंगे 4C2, तो 4C2 की तो वैल्यू 6 होती है, तो 1, 2, 3, 4, यस दीज टू आर डायगोनल्स ऑल्सो। तो यानी कि फॉर्मूला सही है कि नंबर ऑफ लाइन्स फॉर्म बाय एन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज इक्वल टू एन सी टू। एग्जाम्पल कि चार पॉइंट हैं 1, 2, 3 और 4, तो इससे जो जो स्ट्रेट लाइन्स बन सकती हैं वो हम देख लेते हैं। एक लाइन ये बन गई, दूसरी लाइन ये बन गई, थर्ड ये बन गई, फोर ये बन गई और फाइव ये बन गई और सिक्स बन गई। तो इफ एन इज इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ लाइन्स इज इक्वल टू 4C2 का मतलब हो गया 6, 4C2 का मतलब 6 आ गया। अब मान लिया जाए कि इनमें से 10 पॉइंट थे, उनमें से 4 निकल गए कोलिनियर। अब वहां पे 10C2 तो नहीं होगा ना, क्योंकि कुछ कोलिनियर पॉइंट हो गए तो वो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी करेंगे ही, चेक करते हैं उसमें क्या है। तो अब क्या है, नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म बाय एन पॉइंट्स आउट ऑफ विच एम आर कोलिनियर, जिसमें कि एम कोलिनियर है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, एन सी टू ये तो हमने बगैर देखे लिख दिया। अब याद आया कि उसमें एम तो कोलिनियर है तो हटाया फिर उनको। लेकिन फिर यहां पर नंबर ऑफ लाइंस क्या मतलब है, लाइन के लेंथ से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ लाइंस मतलब लाइन के लेंथ से मतलब नहीं है भाई। वो जो एम कोलिनियर पॉइंट्स हैं वो अपने आप में एक लाइन तो बनाएंगे कि भाई अगर जैसे मान लिया जाए कि 7 पॉइंट्स हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो इनको अब जब हम ज्वाइन करेंगे तो टोटल 7C2 हो गया। उसमें से ये तीन पॉइंट से आपस में लाइन नहीं बन रही है, ठीक है, लेकिन एक लाइन तो हमारी बन रही है ना, एक लाइन तो हमारी एक एक्स्ट्रा बनेगी। तो इसका आंसर अगर एग्जांपल हो, फाइंड नंबर ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग 7 पॉइंट्स आउट ऑफ विच 3 आर कोलिनियर, तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर 7C2 माइनस 3C2, लेकिन इन 3C2 से एक लाइन तो हमको मिल रही है ना, आगे एक लाइन तो हमको मिल रही है, यह आ गया। अब इसके बाद आगे नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में बात करते हैं। हमको यह पता है कि अगर 6 पॉइंट हैं तो इससे 6 साइडेड पॉलीगॉन बनेगा, 6 पॉइंट हैं तो 6 साइडेड पॉलीगॉन बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो इससे सिक्स साइडेड पॉलीगॉन बनेगा, ये बात पता है हमको। अब यहां पर हम एक एग्जांपल भी ले रहे हैं, फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ सिक्स साइडेड पॉलीगॉन। तो सॉल्यूशन इसका, छह पॉइंट होंगे तो सिक्स साइडेड पॉलीगॉन बनेगा, यह बात बिल्कुल क्लियर है। तो छह पॉइंट से जो टोटल लाइंस बनेंगी, जो टोटल लाइंस बनेंगी उनमें से अगर हम ये छह लाइन हटा दें तो बाकी जो बचा वो क्या बचा, वन टू थ्री इसको ले, फोर फाइव सिक्स यहां ले, सेवन एट और फिर इसको मिला दें तो नाइन हो गया। तो ये जो अंदर जितने भी हमने बनाए हैं ये सब क्या है, इन सबको तो हम डायगोनल्स बोलते हैं, इन सभी को डायगोनल्स बोलते हैं। तो इसको हमने कैसे किया, 6C2 यानी टोटल लाइंस में से नंबर ऑफ साइड हटा दिया तो 15 माइनस 6 मींस 9 ये आ गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो यहां पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगॉन इज इक्वल टू एन सी टू माइनस एन। अब इस लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कोई एक एन साइडेड पॉलीगॉन हो उसमें ट्राइंगल की कितनी साइड कॉमन हो सकती है, अगर एक साइड कॉमन हो तो क्या नंबर ऑफ फेस होंगे, दो साइड कॉमन हो तो नंबर ऑफ फेस क्या होंगे, कोई भी साइड कॉमन ना हो तो नंबर ऑफ फेस क्या होंगे, मतलब हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर व्हेन वन साइड इज कॉमन विद पॉलीगॉन, टू साइड्स आर कॉमन विद पॉलीगॉन, नो साइड इज कॉमन विद पॉलीगॉन, ये सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए अभी इतना ही करते हैं और पीएनसी की अभी थ्योरी रहेगी।